टुडे वी डिस्कस द चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग फॉर द ओलंपियाड प्रिपरेशन। डायरेक्शन 1-4। रवि कलेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट थ्रोन इन डस्टबिन इन अ डे एंड मेड अ डेटा ऑफ आइटम्स ही कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसेज ऑफ हिज लोकेलिटी एज गिवन बिलो। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए डायरेक्शन और ब्रैकेट में लिखा है 1-4 मीन्स 1-2 क्वेश्चन नंबर 1-4 के आंसर आपको इस डायग्राम से मिलेंगे। ठीक है, में क्या दिया गया, रवि कलेक्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। रवि ने सब तरीके का वेस्ट उसने कलेक्ट किया जो कि डस्टबिन में पड़ा हुआ था। ठीक है, जो उसकी कॉलोनी के डस्टबिन से उसने सारा वेस्ट कलेक्ट किया और जिनका डेटा उसने यहाँ पर शोन है। देखिए वेट ऑफ वेस्ट, ये वेट ऑफ वेस्ट है, तो देखिए यह है लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पेपर वेस्ट, मेटल वेस्ट। ठीक है, तो देखिए लिक्विड वेस्ट कितना है, देखिए आपको ऐसे डायग्राम पढ़ना होता है ना, तो देखिए यहाँ पे 0 है, 5, 10, 15, 20, 25 लिक्विड वेस्ट जो आप देखिए इसको ना ऐसे करके करेंगे, देखिए यहाँ पे लाएंगे तो लिक्विड वेस्ट कितना है 25 kgs। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट देखिए कितना है, इसको ऐसे करके वहाँ पर ऐसे करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट किसके सामने आ रहा है 15, तो प्लास्टिक वेस्ट कितना है 15 kg। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कितना है, देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है 30 kg। पेपर वेस्ट कितना है, पेपर वेस्ट देखिए, पेपर वेस्ट है 10 kg। मेटल वेस्ट, मेटल वेस्ट कितना है 5 kg। ठीक है, आपको इससे अच्छे से, अब देखिए अब इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है इससे रिलेटेड, विच टाइप ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इन द मैक्सिमम इन वेट, कौन सा वेस्ट जो है मैक्सिमम है वेट में। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको इस बार में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है ये, देखिए सबसे बड़ा है ना, इसके अलावा कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और इसका वेट भी कितना है 30 kg। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर देन द मेटल वेस्ट, उसने कहा कि लिक्विड वेस्ट कितना ज़्यादा है मेटल वेस्ट से, हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देन द मेटल वेस्ट। तो देखिए मेटल वेस्ट पहले कितना है, मेटल वेस्ट है आपका 5 kg और लिक्विड वेस्ट कितना है, लिक्विड वेस्ट देखिए 25 kg, तो मेटल वेस्ट है 5 kg और लिक्विड वेस्ट है 25 kg, तो हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट, तो देखिए आप देखिए मेटल वेस्ट कितना है, मेटल वेस्ट है आपका 5 kg। ठीक है, देखिए 5 kg और लिक्विड वेस्ट कितना है, लिक्विड वेस्ट है आपका 25 kg, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, इससे कितना ज़्यादा है 20 kg ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है 20 kg ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा 20 kg, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वेस्ट हैव अ टोटल ऑफ 15 kg, इसमें से जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से किन का टोटल वेस्ट 15 kg है, तो देखिए 15 kg कैसे आएगा, सबसे पहले हम कम से देखते हैं, तो देखिए हमारा मेटल वेस्ट कितना है 5 kg और पेपर वेस्ट कितना है 10 kg। ठीक है, तो 5 + 10 कितना होता है 15, फिर भी हम और को भी देख सकते हैं क्योंकि उसने टू वेस्ट कहा है, तो देखिए और उससे ज़्यादा है हमारा प्लास्टिक वेस्ट, ये तो पूरा ही 15 kg है, तो इसको ये तो अकेला ही 15 kg होगा, जब टू नहीं होगा ना, तो इन दोनों को मिला के 15 kg होगा, मेटल वेस्ट और पेपर वेस्ट को मिला के, देखिए पेपर वेस्ट और मेटल वेस्ट इन दोनों को मिला के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टोटल वेस्ट कलेक्टेड ऑन अ डे इन केजीज, पूरा एक दिन में कितना टोटल वेस्ट कलेक्ट हुआ, टोटल वेस्ट कितना होगा तो हम सबको ऐड कर लेंगे, तो सबसे हम लिक्विड वेस्ट से शुरू करते हैं, लिक्विड वेस्ट कितना है 25 kg, प्लास्टिक वेस्ट कितना है 15 kg। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कितना है 30 kg, पेपर वेस्ट कितना है 10 kg, मेटल वेस्ट कितना है 5 kg। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 5, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85 kg, टोटल वेस्ट कितना आया 85 kg, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया कितना कितना टोटल वेस्ट था। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा है, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ
French languages classes attended by 5 students of a class. Studied carefully and answered the questions. देखिए इसमें 5 to 7, इसका मतलब 5, 6, 7 क्वेश्चन के आंसर्स हमको इससे मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंच क्लासेस दी गई हैं, ठीक है। और ईच, देखिए एक जो ग्रीन बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है 4 क्लासेस को, ठीक है। तो देखिए, और जतिन ने, देखिए जतिन ने कितनी फ्रेंच क्लासेस अटेंड करी हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 इसने करी हैं, और एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है, 4 को, तो 5, 4 = 20। तो जतिन ने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, 20। ऐसे ही बादल ने कितनी अटेंड की हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ये है, तो 6 में एक 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, तो 6, 4 = 24। तो बादल ने कितनी, 24। सिमिलरली गौरव ने कितनी करी हैं, 1, 2, 3, 4 तो 4, 4, 4 = 16 निमित ने कितनी करी है, 1, 2, 3, 3, 4 = 12 ऐसे ही मनोज ने कितनी करी है, 1, 2, 3, 4, 4, 4 = 16 ठीक है। अब इसमें बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टूडेंट्स अटेंडेड सेम नंबर ऑफ क्लासेस, कौन से दो स्टूडेंट्स ने सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किए हैं। तो देखिए किसने सेम करी हैं, इसने 5 करी हैं, इसने 6 करी हैं। देखिए गौरव ने 4 करी हैं और मनोज ने 4 करी हैं, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4 4, 4 = 16 तो गौरव एंड मनोज ने सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किए हैं, गौरव एंड मनोज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु अटेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस रेस्पेक्टिवली, किसने सबसे ज़्यादा और किसने सबसे कम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किए। और रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहले अगर मैक्सिमम है तो पहले मैक्सिमम का ही आंसर आएगा, और अगर बाद में मिनिमम है तो बाद में मिनिमम का ही आंसर आएगा। तो देखिए मैक्सिमम क्लासेस किसने अटेंड किए हैं, देखिए इसने 5 करी हैं, 3, 3, 6 सबसे ज़्यादा इसने करी हैं, 6 सबसे ज़्यादा किसने करी हैं, बादल ने अटेंड करी हैं, और सबसे कम किसने अटेंड किए हैं, निमित ने अटेंड किए हैं, ठीक है। तो बादल एंड निमित, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नंबर 7, हाउ मैनी मोर क्लासेस निमित एंड मनोज अटेंडेड ऑल टुगेदर देन बादल। देखिए हाउ मैनी मोर, कितनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड करी हैं निमित एंड मनोज ने मिलकर, ऑल टुगेदर लिखा है ना इसलिए मिलकर, देन बादल। तो देखिए पहले निमित ने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, मनोज ने कितनी क्लासेस अटेंड करी। देखिए निमित ने कितनी अटेंड करी हैं, 3, तो 3, 4 = 12 हो गया, ठीक है, 3, 4 = 12 हो गया। और फिर किसका कहा है, मनोज ने कितनी करी हैं, 1, 2, 3, 4 4, 4 = 16 तो टोटल इन्होंने कितनी अटेंड की हैं, 6, 2, 8 = 28 दोनों ने मिला के 28 क्लासेस अटेंड की हैं। और बादल ने अकेले ने कितनी करी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 4 = 24 बादल ने करी हैं 24, ठीक है। ये हो गई बादल की क्लासेस, ये निमित एंड मनोज की तो इन दोनों ने कितनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं, 28 में से 24 माइनस करेंगे तो 4, सो उन्होंने कितनी क्लासेस ज़्यादा अटेंड की हैं, 4 क्लासेस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 to 11, ये डायरेक्शन जो दिया है इसमें 8 to 11 को हमें, देखिए सोनम वेंट टू अ बर्ड सेंचुरी, सोनम एक बर्ड सेंचुरी में गई एंड सॉ द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, उसने अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखी। गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बर्ड्स सी शोज, ये जो ग्राफ दिया गया है उसमें बता रहा है कि उसने कितनी बर्ड्स देखी। स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको पिक्टोग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है। देखिए उसने ब्लू टिट देखी इतनी, ब्लैक बर्ड्स देखी इतनी, स्पैरो देखी इतनी, स्टारलिंग देखी इतनी, सीगल देखी इतनी, पिजन देखी इतनी, और ईच एक बर्ड आपको बता रही है कि ईच एक जो बर्ड है उसका मतलब है 5 बर्ड्स। जैसे देखिए इसका मतलब है 5 बर्ड्स, तो ऐसे ही 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 तो 4, 5 = 20 ठीक है, तो इसका मतलब 20 है। ऐसे ही इसको आप हर एक बर्ड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो हाउ मैनी स्पैरोज डिड सोनम सी, कितनी स्पैरोज देखी सोनम ने। देखिए स्पैरो कहाँ है, फिर ये है, तो स्पैरो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 स्पैरो देखिए, और एक बर्ड का मतलब क्या है, 5, तो 8, 5 = 40 तो उसने कितनी स्पैरोज देखी, 40। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ब्लू टिट्स एंड पिजन्स वर सीन बाय सोनम ऑल टुगेदर,
कितनी उसने ब्लू टिट्स देखी और कितनी उसने पिजन देखी दोनों को मिला के, ठीक है। तो देखिए ब्लू टिट्स कितनी है, 1 2 3 4 फोर देखी ब्लू टिट्स, और पिजन कितने देखे, 3। तो 4 ये हो गए, 3 हो गए 7। तो 7 5 35, दोनों को मिला के उसने कितनी बर्ड्स देखी, 35। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी मोर सीगल्स वर सीन बाय सोनम देन द ब्लैक बर्ड्स, उसने कितनी ज़्यादा सीगल्स देखी ब्लैक बर्ड से। तो सीगल देखी कितनी देखी उसने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 5 35, तो उसने कितनी सीगल्स देखी, उसने सीगल्स देखी आपका 35। और उसने ब्लैक बर्ड्स कितनी देखी, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक बर्ड्स हैं, तो 5 5 25। तो कितनी ज़्यादा सीगल्स देखी उसने, 35 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 10 मोर सीगल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी स्टारलिंग्स वर सीन बाय द सोनम, कितनी स्टारलिंग्स देखी गई सोनम के द्वारा। तो स्टारलिंग्स देखिए कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 25। तो कितनी स्टारलिंग्स देखी उसने, 25। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायरेक्शन 12 to 14, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एबसेंट इन अ डे ऑफ अ पर्टिकुलर वीक, स्टडी द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। द गिवन पिक्टोग्राफ शो, इसमें देखिए दिया गया है कि एक पर्टिकुलर दिन में कितने बच्चे एबसेंट हैं, तो हमें बताना है उसके जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर बताने हैं, ठीक है। देखिए मंडे को कितने एबसेंट हैं, 1 2 3। ऐसे ही ट्यूसडे को कितने एबसेंट हैं, वेनसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ईच स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, एक इस स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स। तो मंडे को कितने एबसेंट हुए, 1 2 3, 3 2 6, ठीक है। ऑन विच डे नो स्टूडेंट वॉज एबसेंट, कौन से दिन में कोई भी स्टूडेंट एबसेंट नहीं था। तो देखिए किस दिन कोई भी एबसेंट नहीं था, सैटरडे को कोई भी एबसेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ एक भी स्माइली नहीं है। सो सैटरडे इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एबसेंट एंड हाउ मैनी, किस दिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एबसेंट थे और कितने। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, ठीक है, इसमें तो 2 ही हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें है 5, ये 5 है, 5 2 10। तो किस दिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट है, फ्राइडे को, और कितने ज़्यादा, 10। तो देखिए फ्राइडे और 10। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। What is the total number of students who were absent in a week? Total number of student बताने कि पूरे वीक में कितने बच्चे एबसेंट थे, तो सबको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 2 36, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एबसेंट हैं, 36। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा उन्होंने कि किसी भी सिंबल का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे ईच स्माइली मीन्स 2 स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में उसने एक बर्ड का मतलब 5 था, तो आपको ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 5 फ्रेंड्स मेड अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स दे गॉट इन मैथमेटिक्स। 5 फ्रेंड्स ने एक बार ग्राफ बनाया है कि उन्होंने कितने मार्क्स उनको मैथ्स में मिले हैं। तो देखिए राहुल को इतने मिले हैं, रितु को इतने मिले हैं, रीना को इतने मिले हैं, रानी को इतने मिले हैं, रोहन को इतने मिले हैं। अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स अरेंज करने असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे कम मार्क्स, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए सबसे कम मार्क्स किसके हैं, आप देखिए ऐसे लगा के देखिए, सबसे कम मार्क्स है रोहन के, ठीक है। तो सबसे पहले रोहन, ये रोहन, इन दोनों में रोहन है, ठीक है। आप देखिए सेकेंड नंबर पर किसके कम है, सेकेंड नंबर पर कम है राहुल के, ठीक है। देखिए सेकेंड में आया राहुल, दोनों में राहुल ही है। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड में ये है सबसे कम, थर्ड में है रानी, ठीक है, दोनों में रानी है। अब देखिए फोर्थ में है रीना, तो देखिए रीना, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, रितु के। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा होता है, देन इंक्रीज करते जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।